हेलो, जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में, लेक्चर नंबर 20, रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन। जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में फोटोग्राफिक फिल्म और फिल्म यूज इन द रेडियोग्राफिक। तो मैंने बताया था कि आपकी फिल्म तैयार हो गई। फिल्म आपकी जब तैयार हो गई तो अब आप इस फिल्म को एक्सरे टेस्टिंग करने के लिए ले गए। अब उसके ऊपर एजी सिल्वर की कोटिंग है। मान लीजिए आप कुछ एक्सरेज आपकी आई, आपकी कुछ एक्सरेज आएंगी, तो ये मैंने यहां पे डिस्कस किया था कि मान के चलते ये आपकी एक्सरेज आ रही है ऑब्जेक्ट से होते हुए। तो एक्सरेज जब ऑब्जेक्ट से होते हुए आएंगी तो उस समय क्या करेगा आपका कि दैट इंटरेक्ट विथ एक्सरेज विथ AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड के पार्टिकल के साथ क्या करेगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज विद द सिल्वर ब्रोमाइड, और वो सिल्वर ब्रोमाइड उस समय अपना सिल्वर आयंस एक लूज कर देगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिल्म। हमने क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को इमल्सन के रूप में यूज किया है, एंड सिल्वर एटम गिव अ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू ब्रोमीन एटम, और वो क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एटम को, और वो Ag+ को रिलेट करेगा। मतलब यानी जैसे ही फिल्म पे आपकी कोटिंग है, ये आपका AgBr, इस तरह आपकी फिल्म है, और जैसे ही आपकी एक्सरे डायरेक्ट पड़ गई, डायरेक्ट आपकी पड़ गई Ag पे, तो ये क्या करेगा तुरंत यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ये स्पेस क्या कर देगा खाली कर देगा। जहां जहां Ag होगा वहां वहां से इसको, तो जहां जहां वो डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जा रही, तो इसलिए उसको वहां पे क्या मिला, ब्लैक स्पॉट मिल जा रहा है। सो इट लिबरेट, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सिल्वर आयन लिबरेट कर देगा, एंड द ब्रोमीन एटम हैव रिक्वायर्ड दिस निगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब ब्रोमीन एटम क्या करेगा, रिक्वायर्ड दिस ब्रोमीन, ये जो सिल्वर लिबरेट हुआ है एक्सरे के कारण, वो क्या करता है, वो अपने साइड से हट के वो क्या करता है इंटरस्टेशियल साइट्स पे आ जाता है। अच्छा, कुछ इस फिल्म में हम इमल्सन के रूप में कुछ सेंसिटिव यूज कर लेते हैं, आयोडाइड कभी कभी, वो क्या करते हैं वो पीछे होते हैं, वो ये इस यहां पे निगेटिव क्रिएट हो गया, वो सब सेंसिटिव साइड है, मतलब यहां पे निगेटिव एरा है, बहुत सेंसिटिव है, वो क्या करते हैं इस पॉजिटिव को लेके यहां पे चला आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला आएगा। ये इलेक्ट्रॉन कैसे आया, जब AgBr पे एक्सरे पड़ा डायरेक्ट, तो वो क्या किया वहां से सिल्वर आयंस लिबरेट हुआ, और वो सिल्वर आयंस क्या किया आपके क्रिस्टल से निकल के आपके साइड में चला गया, और वो सिल्वर आयंस जो सेंसिटिव साइड है हमारी फिल्म की, सेंसिटिव साइड मतलब इमल्सन में कुछ और भी पार्टिकल्स जैसे हम लोग ने मिला है, उन सेंसिटिव साइड पे क्या किया, ये पॉजिटिव वाला ये निगेटिव के साथ चला गया, दिस सेंसिटिव साइड क्रिएट, जैसे मैंने यहां पर भी दिखाया कि एक आयोडाइड है, ये सेंसिटिव साइड है, ये Ag क्या करेगा इस आयोडाइड के साथ चला जाएगा, इसीलिए मैं ये फिगर को दोनों को लाया हूं। अब क्या करेगा, ये एक लैटेंट इमेज जनरेट करेगा। ये लैटेंट इमेज क्यों जनरेट हुई, ये लैटेंट इमेज ऐसे जनरेट हुई क्योंकि एक्सरे ने क्या किया सिल्वर ब्रोमाइड के साथ कॉन्टेक्ट किया, और जिसमें से सिल्वर आयंस निकला, और ये सिल्वर आयंस आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हटके वो कहां चला गया, आपके इंटरस्टेशियल साइट्स पे चले गए। वो प्लस आयंस क्या करते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन किसके साथ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब वो सेंसिटिव साइट की तरफ चले जाएंगे, और आपकी एक लैटेंट इमेज जनरेट कर दी। कौन सी इमेज जनरेट कर दी, लैटेंट इमेज जनरेट कर दी। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। ये लैटेंट इमेज क्या होती है, ये लैटेंट इमेज हमारे कोई यूज की नहीं है क्योंकि हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। अब तो डिपेंड किया, अब जब हम लेटेंट इमेज को देख नहीं पा रहे हैं, और तो फिर हम कैसे वो हमें एक्सरे दिखता है। अब इस लेटेंट इमेज को देखने के लिए हम फिल्म प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अब फिल्म, व्हाट इज द फिल्म प्रोसेसिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, जो हमें लेटेंट इमेज बन के आई है हमारे पास, उसके ऊपर वी यूज द डिफरेंट स्टेप्स। हम क्या करते हैं वहां पे, हम केमिकल्स यूज करेंगे और डेवलपर यूज करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे और ड्राई करेंगे। ये हम चार स्टेप बताएं इस जगह हम लोग करते हैं,
और वो चार स्टेप जब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब क्या है कि जो हमें लैटेंट वो मिली है, लैटेंट इमेज मिली है, और वो लैटेंट इमेज हम विद द नेकेड उससे देख नहीं सकते हैं, विजुअल नहीं है मेरे लिए। अब इसको विजुअल बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोसेसिंग करना है हमें, क्योंकि मैग्नीफाई इमेज जनरेट करनी है। सो वी यूज द डेवलपर्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो सिल्वर जो सेंसिटिव साइड पे हमारे नेगेटिव साइड जनरेट हो गई थी, वहां पे हम क्या करेंगे, हम डेवलपर में यूज करेंगे हाइड्रोक्विनोन। हम वी यूज द डेवलपर। और डेवलपर क्या यूज करेगा, हाइड्रोक्विनोन एंड इलॉन भी हम लोग यूज कर देते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारा जो Ag प्लस पॉजिटिव वहां निगेटिव के पास चला गया था, वो क्या करेगा, अब वहां न्यूट्रल स्पेस बन गया है, ये वहां निगेटिव इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा, गेन डेवलपिंग एजेंट गिव अ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा एंड कन्वर्ट टू अ न्यूट्रल, फिर से उसको न्यूट्रल करेगा, सेंसिटिव साइड को न्यूट्रल कर देगा एंड कन्वर्ट द सिल्वर हैलाइड ग्रेन टू सिल्वर मेटेलिक, अब ये सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये जब तक देता रहेगा हर साइड को, लेकिन क्या होगा कि अब इसको प्रिजर्वेटिव बनाना है, क्योंकि भाई डेवलपिंग एजेंट हाइड्रोक्विनोन तो देता चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन, किसको, वो सिल्वर हैलाइड को, सिल्वर हैलाइड गेन्स को या सिल्वर ब्रोमाइड को देता चला जा रहा है, जहां पे हमारा एजी प्लस आयन गया था और एजी प्लस आयन सेंसिटिव साइड पे चला गया था, सेंसिटिव साइड। अब क्या हुआ कि जब हमने अब इसी लेटेंट इमेज को देखना है, तो हमने डेवलपर पे लिया, डेवलपर कौन सा है, हाइड्रोक्विनोन है हमारा या इलोन है, तो वहां पे हमने हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, वो टेम्परेचर बेस होता है, यहाँ पे 70 फ़ारेनहाइट और 60 फ़ारेनहाइट पे नॉट यूज कर सकते हो, और 16 फ़ारेनहाइट के आप नीचे नहीं यूज कर सकते हो, 17 फ़ारेनहाइट के ऊपर नहीं यूज कर सकते हो, तो हाइड्रोक्विनोन के लिए बड़ा दिक्कत है, तो इसलिए इलोन को यूज करते हैं हम लोग वहां पे, इसके लिए कोई नहीं, इन दोनों को मिला के हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये क्या करेगा, जो एजी प्लस आयन था वहां पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसको निगेटिव बनाएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा, जैसे ही न्यूट्रल कर देगा ये कॉन्टिन्यूस अपना प्रोसेस करता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रिजर्व भी तो करना है, क्योंकि ये क्या होगा, हाइड्रोक्विनोन एक समय क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन सब देता रहेगा अपने से, तो उस समय क्या करते हैं, वी यूज द प्रिजर्वेटिव, हम वहां पे सोडियम सल्फेट यूज करेंगे, तो स्टॉपिंग द डेवलपमेंट सेकंड स्टेप क्या होगा, वी यूज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव। एंड प्रिजर्वेटिव में क्या है, जो ये डेवलपर था जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था सिल्वर हैलाइड को, यहां इसको रोकना है, एंड इसको रोकने के लिए क्या यूज करेंगे, वी यूज द सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट क्या करेगा, स्टॉप, जो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है वो तुरंत स्टॉप कर देगा, एंड प्रोसेस बाय डायल्यूटिंग एंड वॉशिंग द डेवलपर, वो क्या करेगा, उसके ऊपर जो डेवलपर हमने उसके ऊपर फिल्म के ऊपर लगाया उसको वॉश कर देगा ये सोडियम सल्फेट। एंड वी यूज द सेकेंड वन इज एक्टिवेटर, एक्टिवेटर इज अ नॉट अ सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फिक्सेसर। फिक्सेसर क्या होगा, फिक्सेसर में हम लोग क्या यूज करेंगे, वी यूज अमोनियम थायोसल्फेट। हम यहां पे फिक्सेसर में अमोनियम थायोसल्फेट को यूज करेंगे, ये क्या करेगा, अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल आर रिमूव बाय फिक्सिंग बाथ, ये सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को एंड फिक्सर डिसॉल्व ऑन विच सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल एंड लिविंग सिल्वर मेटल बिहाइंड, वो सिर्फ सिल्वर को छोड़ेगा और सब को छोड़ देगा बिहाइंड इट एंड वो फिक्स कर देगा, मतलब फिक्सेस है, एंड देन वॉश द फिल्म एंड ड्राई, सुखा देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ टू फाइंड द इमेजेस ऑफ द रेडियो। अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमारे पास इमेज, देखिए अनप्रोसेस्ड इमेज ये थी, बाद में हमें जहां से सिल्वर हमारा हट गया हमें ये इमेज मिल गई जहां पे क्रैक होनी थी, तो वही जो फाइनली हम लोग की पहली इमेज चल रही थी ये, कि किस तरह से हम लोग ये फाइंड कर रहे थे, ये दिस इज द फोटोग्राफिक फाइनली इमेज।
सो व्हाट